ए टू जेड अपडेट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आज आपको सुजुकी की GSX S150 के इंडिया लॉन्च, प्राइस, स्पेसिफिकेशन और उसके रिव्यू और कलर्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो का स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें हमें 147.33 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC सिलेंडर होगा और वो भी 4 स्ट्रोक और 4 वाल्व के साथ आने वाला है। इस बाइक में हमें कूलिंग के दौर पर लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। हाल जो अभी इंडिया में जो सुजुकी की जिक्सर 150 सीसी की बाइक है उसमें हमें एयर कूलिंग देखने को मिलता है, लेकिन अगर ये बाइक लिक्विड कूलिंग के साथ आ गई तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बाइक के पावर की बात करें तो इसमें हमें पावर 18.19 BHP का पावर 10,500 RPM पर देखने को मिलेगा और उसके टॉर्क की बात करें तो 14 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा और वो भी 9,000 RPM पर देखने को मिलेगा। यानी पावर के मामले में ये बाइक अच्छी है, लेकिन अभी इंडियन मार्केट में जो बाइक अभी सुजुकी की है उसका पावर और टॉर्क बहुत ही कम है, लेकिन अगर ये 18 BHP वाला पावर अगर इंडिया में अभी आ गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बाइक में हमें गियरबॉक्स में 6 स्पीड का गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। इस बाइक के सीट हाइट की बात करें तो इसमें 785 mm का सीट हाइट देखने को मिलेगा, यानी कि 5.5 इंच के हाइट राइडर के ऊपर वाले हाइट राइडर को ये बाइक आसानी से चला सकते हैं, लेकिन उसके नीचे के हाइट राइडर के लिए बाइक थोड़ी मुश्किली दे सकती है। इस बाइक का टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 11 लीटर का टैंक देखने को मिलेगा। हालांकि टैंक का साइज थोड़ा कम है, पर इसका माइलेज थोड़ा अच्छा है, इसलिए इस बाइक को ये टैंक का साइज परफेक्ट रहेगा। सो इसके माइलेज की भी बात कर ले तो इसका माइलेज कंपनी ने 50 का माइलेज एक्सपेक्ट किया है, लेकिन इंडियन रोड के हिसाब से इसका माइलेज 40 तो आराम से आ ही जाएगा। इस बाइक के फ्रंट टायर की बात करें तो 90x80 के 17 इंच के टायर और रियर टायर की बात करें तो इसमें 130x70 के 17 इंच के रियर टायर देखने को मिलेंगे और वो भी रेडियल टायर रहेगा, यानी कि रोड ग्रिप और कॉन्फिडेंस कॉर्नरिंग के दौरान बहुत ही अच्छा मिलने वाला। इस बाइक के सस्पेंशन की बात करें तो इसमें टेलीस्कोपिक के फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलेंगे और रियर सस्पेंशन मोनोशॉक के सस्पेंशन रहेंगे, यानी कि स्टेबिलिटी तो बहुत ही अच्छी मिलने वाली है और हो सकता है इसका सस्पेंशन बहुत स्टीप भी नहीं और बहुत कंफर्टेबल भी नहीं, यानी कि एवरेज सेटिंग पे इसका सस्पेंशन हो सकता है। अगर ये बाइक इंडियन मार्केट में है तो इसमें 4 कलर के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यानी कि इसका लुक ये कलर में बहुत ही अच्छा दिखता है। सो इसमें कलर में देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मेटालिक ट्रीटोन का ब्लू कलर देखने को मिलेगा, यानी कि ये कलर तो सुजुकी का पहले से ही चला आ रहा कलर है। फिर दूसरा कलर देखें तो उसमें आइस सिल्वर कलर देखने को मिलेगा और उसमें तीसरा कलर मैट ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। मैट ब्लैक कलर में ये बाइक बहुत ही सुंदर दिखती है और उसमें 4th कलर रहेगा जो स्ट्रेंजर रेड कलर देखने को मिलेगा, इसमें भी ये बाइक बहुत ही एग्रेसिव लुक देती है। सो गाइज आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइए कि ये बाइक कौन से कलर में आ सकती है, इसका प्राइस क्या रहेगा और ये कब तक इंडियन मार्केट में आ सकती है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो अगर इस बाइक के अगर कॉम्पिटिटर की बात करें तो इसमें यामाहा की R15 जो कि पॉपुलर बाइक है वो इस बाइक का कॉम्पिटिटर रह सकता है। फिर अगर दूसरे कंप्यूटर की बात करें तो होंडा की CBR 150R और यामा की MT-15 जो कि बहुत ही शानदार लुक के साथ आती है। तो देखते हैं अभी ये बाइक कैसी और कौन से लुक में आती है, लेकिन अगर सुजुकी के अपडेट की तरफ से देखें तो ये बाइक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वैसा ही लुक सुजुकी का हो सकता है। अगर ये बाइक के प्राइस की बात करें तो ये बाइक 1,20,000 से लेकर 1,30,000 ex-showroom प्राइस तक इंडिया में आ सकती है। सो गाइज देखते हैं अभी ये बाइक कौन से प्राइस में आती है। तो गाइज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।